सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उसी से आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे लिक्विड लिपस्टिक्स लगाई जाती हैं और आप कैसे इसके लिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड लिपस्टिक के लिए लिप्स को एक्सफोलिएट करना है। आप किसी भी टूथब्रश या शुगर या चीनी भी लेकर आप अपने लिप्स को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। अगर आपके लिप्स चैप्ड हैं और स्किन निकल रही है तो ये कर लीजिए, ये ज़रूर करिए। अगर नहीं है तो इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगर लिप्स स्मूद हैं तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। मेरे लिप्स थोड़े से फट रहे थे तो मैं ये स्टेप कर रही हूँ, और ये स्टेप करने के बाद आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा हो जाता है और आपके लिप्स और फुलर दिखाई देते हैं पहले से। तो ये स्टेप ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, और मॉइस्चराइज़ कर इसलिए कर रहे हैं कि जो लिप्स की जो मॉइस्चर है वो बना रहे। तो सबसे पहले हम ऊपर के लिप्स पे काम करेंगे, और आप सबसे पहले क्यूपिड्स बो पे एक क्रॉस बना लीजिए। क्रॉस बनाने के बाद फिर आप उसको फिल कर लीजिए और ऊपर से नीचे डाउनवर्ड मोशन में आ जाइए, और इसी तरह आपको दूसरी साइड भी करना है। और चाहें तो आप धीरे धीरे इस पे काम करिए, क्योंकि जो लिक्विड लिपस्टिक होती है वो फैलने का बहुत जल्दी डर रहता है, और अगर वो एक बार फैल गई और सूख गई तो फिर निकालना मुश्किल होता है। तो एक बार अगर शेप में लिप्स आ जाते हैं तो बेटर रहता है। तो ऊपर सबसे पहले काम करना है। ऊपर के लिप्स होने के बाद फिर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ आना है। ऊपर के लिप्स होने के बाद फिर नीचे के लिप्स को शेप देना है, और आप थोड़ा सा नीचे तक जा सकते हैं। आउटर लिप लाइन से थोड़ा नीचे जाके भी आप लिप्स को फिल कर सकते हैं, उससे आपके लिप्स और फुलर दिखाई देंगे और बड़े बड़े लिप्स थिक दिखाई देंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। लिक्विड लिपस्टिक लगाना थोड़ा ट्रिकी होता है नॉर्मल लिपस्टिक से, क्योंकि ये जो लिपस्टिक होता है इसका जो वॉन्ड होता है, और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक को ज़्यादा लेंगे वॉन्ड में तो वो थोड़ा सा आउटलाइन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर आपसे कभी गलती भी हो जाए तो आप एक क्यू टिप लीजिए या फिर ईयरबड लीजिए, उसमें आप मेकअप रिमूवर से उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मेकअप रिमूवर लिया है मैंने इस क्यू टिप में, और इससे मैं धीरे धीरे जो भी लिपस्टिक एक्स्ट्रा लग गई है उसको मैं हटा दे रही हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और लिक्विड लिपस्टिक लग गई है। लिक्विड लिपस्टिक थोड़ी सी ड्राई होती है, मैंने ये शुगर लिपस्टिक यूज़ की है। और अगर आप न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा। न्यूड लिपस्टिक लगाने के बाद, ये ब्राइट लिपस्टिक है तो आपके लिप्स वैसे ही अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने न्यूड लिपस्टिक लगाई है या कोई लाइट शेड या नेचुरल शेड लगाया है तो ये स्टेप करने से आपके जो लिप्स हैं वो बहुत आइडेंटिफाइड दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। तो आप कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन या फिर कोई भी बीवी क्रीम भी लेके एक ब्रश की हेल्प से लिप्स के आसपास लगा लीजिए, तो आपके लिप्स और अच्छे दिखाई देंगे और जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत अच्छा दिखता है। लिपस्टिक आपकी और आइडेंटिफाइड दिखती है। और इस फाउंडेशन या कंसीलर को आपको उसी जगह पे डैप कर देना है। आप चाहे तो ब्रश से कर सकते हैं या फिर अपने फिंगर से भी कर सकते हैं। तो ये है फाइनल आउटपुट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।